इंटरनेट से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इंटरनेट इसके बारे में आजकल बच्चा जानता जाता है और इसका इस्तेमाल भी करता है, क्योंकि इसने में क्रांति ला दी है। आजकल हम कोई भी काम इंटरनेट से कर सकते हैं, चाहे वह किसी के पास डॉक्यूमेंट भेजना हो या किसी के पास पैसे भेजने को या किसी तरह की मूवी देखनी है या कोई सॉन्ग सुनना हो तो हम इंटरनेट के जरिए सुन सकते हैं। इंटरनेट से हम किसी भी काम को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसके बारे में जानकारी होना भी बहुत ही जरूरी है। इसलिए हम आज आपको इंटरनेट के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारी आपको देंगे। इंटरनेट से संबंधित नीचे आपको प्रश्न उत्तर दिए गए हैं जो कि आपसे अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, तो आप नीचे दिए गए प्रश्न उत्तर को अच्छी तरह से याद करें। और अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो शेयर जरूर करें। अगर आपका के बारे में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। एक, विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? उत्तर, इंटरनेट। दो, ईमेल के जन्मदाता कौन है? उत्तर, रे टॉमलिंसन। तीन, इंटरनेट में प्रयुक्त www का पूरा रूप क्या है? उत्तर, वर्ल्ड वाइड वेब। चार, वर्ल्ड वाइड वेब www के आविष्कारक कौन है? उत्तर, टिम वनस्ली। पांच, इंटरनेट पर विश्व का प्रथम उपन्यास का नाम बताएं? उत्तर, राइडिंग द बुलेट। छह, देश का प्रथम साइबर अपराध पुलिस स्टेशन कहाँ है? उत्तर, कटक ओडिशा। सात, HTTP का पूर्ण रूप क्या है? उत्तर, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आठ, भारत की पहली ऐसी पार्टी कौन सी है जिसने इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाई? उत्तर, भारतीय जनता पार्टी। नौ, वह भारतीय राज्य जिसने पहली बार इंटरनेट पर राज्य की टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराए? उत्तर, सिक्किम। दस, गूगल, याहू, MSN व रेडिफ क्या है? उत्तर, इंटरनेट सर्च इंजन। ग्यारह, फ्री ईमेल सेवा हॉटमेल के जन्मदाता कौन है? उत्तर, सबीर भाटिया। बारह, इंटरनेट का जन्मदाता किसे कहा जाता है? उत्तर, विंटनजी सर्फ। तेरह, किस प्रणाली में इंटरनेट द्वारा व्यापार किया जाता है? उत्तर, ई कॉमर्स। चौदह, ईमेल का पूरा रूप क्या है? उत्तर, इलेक्ट्रॉनिक मेल। पंद्रह, वह प्रथम पत्र पत्रिकाएं जो इंटरनेट पर उपलब्ध हुई? उत्तर, द हिंदू पत्र व इंडिया टुडे पत्रिका। 16, इंटरनेट का आरंभ 1969 में किस विभाग द्वारा अर्पानेट ARPANET एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट सी एजेंसी नेट द्वारा किया गया? उत्तर, अमेरिकी रक्षा विभाग। 17, इंटरनेट का पहला सफल सॉफ्टवेयर कौन सा है? उत्तर, मोजेक। 18, भारत में इंटरनेट सेवा का प्रारंभ कब हुआ? उत्तर, 15 अगस्त 1995। 19, भारत में इंटरनेट उपलब्ध कराने वाली पहली कंपनी कौन सी है? उत्तर, विदेश संचार निगम ली VDNL। 20, भारत में इंटरनेट सेवा प्रारंभ करने वाली निजी क्षेत्र की पहली कंपनी कौन सी है? उत्तर, सत्यम इन्फोवे। 21, करियर सलाह से संबंधित हिंदी की पहली वेबसाइट कौन सी है? उत्तर, careersalah.com। 22, ई कोर्ट की अवधारणा लागू करने वाला भारत का प्रथम उच्च न्यायालय कौन सा है? उत्तर, दिल्ली उच्च न्यायालय। 23, ऑनलाइन वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? उत्तर, गुजरात। 24, URL क्या है? उत्तर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। 25,
नियमों और विनियमों के तहत इंटरनेट पर काम कर रहे हैं? वह है उत्तर प्रोटोकॉल 26, नेटवर्क के कनेक्शन जो केवल करने के लिए संलग्न किया जा सकता है। उत्तर इंट्रानेट 27, लैन के लिए एक फायरवॉल का उपयोग करके लाभ। उत्तर अपने महत्वपूर्ण संसाधनों के लिए लैन के लिए अधिक से अधिक सुरक्षा और सख्त अभिगम नियंत्रण प्रदान करता है। 28, www का क्या मतलब है? उत्तर वर्ल्ड वाइड वेब। 29, आईपी पता क्या है? उत्तर इंटरनेट प्रोटोकॉल। 30, जीमेल सेवा किस कंपनी की है? उत्तर गूगल। 31, वाईफाई का पूरा नाम? उत्तर वायरलेस फिडेलिटी। 32, क्या एलेक्सा रैंकिंग है या कुछ और? उत्तर इस एलेक्सा इंटरनेट इन वाणिज्यिक वेब यातायात डेटा और विश्लेषण प्रदान करता है कि इंटरनेट की सुविधा है। 33, मॉडेम क्या है? उत्तर यह मॉड्यूलन और डीमॉड्यूलेशन के लिए संयुक्त उपकरण है। 34, वेबसाइट वर्तमान में इंटरनेट में है? उत्तर एक अरब। 35, फेसबुक और ट्विटर है? उत्तर इन सामाजिक मीडिया साइटों जहां लोगों को सूचना और वार्ता को साझा कर सकते हैं। 36, कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम स्थापित वेबसाइटों को चलाने के लिए प्रयोग में आता है? उत्तर मोज़िला, क्रोम आदि जैसे इंटरनेट ब्राउज़रों। 37, ऑनलाइन खरीदारी की दुकान से क्या मतलब है और वहां का उपयोग कैसे करें? उत्तर यह इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का एक रूप है। इस सेवा के उपभोक्ताओं को सीधे ऑनलाइन द्वारा एक विक्रेता से सामान या सेवाओं को खरीदने के लिए अनुमति देता है। 38, सोशल मीडिया क्या है? उत्तर इस मंच जहां उपयोगकर्ताओं को बनाने भाग लेते हैं और वहां स्वयं के या अन्य लोगों को सामग्री का हिस्सा है। 39, एक लैन नेटवर्क में कौन कंप्यूटर प्रोग्राम और डेटा साझा करने की अनुमति देता है? उत्तर फाइल सर्वर। 40, किसकी मदद से कहीं से भी ईमेल का उपयोग कर सकते हैं? उत्तर वेब मेल इंटरफेस। 41, जो पैकेज खरीदने से पहले उद्देश्य के परीक्षण के लिए इंटरनेट के माध्यम से डाउनलोड करते हैं? उत्तर बीटा सॉफ्टवेयर। 42, इस शब्द का प्रयोग किया जाता है जब खोजंजन यदि एक मैच के परिणाम पाया जाता है? उत्तर लिंक। 43, एक वेबसाइट ब्लॉग में जो एक वेबसाइट के आराम करने के लिए एक द्वार के रूप में कार्य करता है? उत्तर होम पेज। 44, शब्द है जो वेब पृष्ठों को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है? उत्तर एक ब्राउजर। 45, लैन में डेटा के हस्तांतरण की दर? उत्तर प्रति सेकंड के बीपीएस किलोबिट्स। 46, ईमेल पते से किसी में जो प्रतीक आईएसपी पते के साथ उपयोगकर्ता नाम अलग करने के लिए है? उत्तर 47, एक कंप्यूटर एक नेटवर्क में क्या है जब एक कंप्यूटर के शेयरों संसाधनों दूसरों के द्वारा इस्तेमाल किया करता है? उत्तर सब। 48, वाइड एरिया नेटवर्क के निर्माण के लिए आवश्यक है? उत्तर इसके लिए आवश्यकताओं के रूप में कर रहे हैं एक ही प्रकार उच्च बैंडविड्थ संचार स्रोत लिंक उच्च गति प्रोसेसर। 49, RAS क्या है? उत्तर रिमोट एक्सेस सर्विस। 50, कौन सी सेवा भेजने या इंटरनेट पर मेल प्राप्त करने के लिए है? उत्तर ईमेल। 51, शब्द FTP क्या है? उत्तर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 52, चैटिंग है? उत्तर यह दो या दो से अधिक उपयोगकर्ता एक ही समय में इंटरनेट से कंप्यूटर या मोबाइल का उपयोग करके बीच बातचीत का एक प्रकार है।
53 इंटरनेट बैंडविड्थ में है। उत्तर, यह कैसे तेजी से डाटा एक वायर्ड या वायरलेस कनेक्शन पर भेजा जा सकता है कि माप है। 54 वेब होस्टिंग है। उत्तर, इस वेबसाइट या वेब पृष्ठों के मालिक के लिए एक सेवा है, वहां वेबसाइट वेबनों के लिए जगह की आवश्यकता को मिल रहा है और करने के लिए इंटरनेट पर पोस्ट करने की अनुमति देता है। 55 इंटरनेट पर अधिक वेबसाइट URL पाने के लिए मुख्य खोज इंजन। उत्तर, गूगल, याहू और बिंग। 56 कौन सी युक्ति पैकेट के पते के आधार पर विशिष्ट बंदरगाहों के लिए पैकेट को आगे करने के लिए बनाया गया है। उत्तर, डिवाइस हब स्विचिंग। 57 क्या होता है जब एक ईमेल एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा प्राप्त होता है। उत्तर, यह स्पैम के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए और ईमेल खोले बिना नष्ट हो सकता है।